सो है गाइज, कैसे हो? मेरा नाम दीपक एंड यू आर वॉचिंग टेक्नो भाई। सो गाइज, आज की वीडियो बहुत ज़बरदस्त होने वाली है उन लोगों के लिए जो लोग अपने प्ले स्टोर में एयरटेल बिलिंग इनेबल कराना चाहते हैं। गाइज, इस वीडियो को पूरा देखना, पूरी ट्रिक के साथ मैं आपको 100% होकर बता रहा हूँ कि आप एयरटेल बिलिंग इनेबल कर पाओगे। और गाइज, यदि आपकी एयरटेल बिलिंग इनेबल नहीं हो पाती है किसी भी कारण से, तो यार निराश मत होना, क्योंकि एयरटेल बिलिंग से बढ़िया है रिडीम कोड। और गाइज, यदि आप रिडीम कोड खरीदना चाहते हो, आपको खरीदना नहीं आता कैसे यूज़ करना होता है, उसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना दिया। आप आई बटन में जाके, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके चेक कर सकते हो। वहाँ पे मैंने आपको टोटली प्रूफ के साथ बताया कैसे खरीदा जाता है। एंड गाइज, सबसे बड़ी बात, आप एयरटेल बिलिंग इनेबल कर लेते हो तो वहाँ पर आपको यदि कोई 80 रुपये में कुछ चीज़ खरीदनी है, ठीक है, तो आपको मिनिमम कितने रुपये का रिचार्ज कराना होगा अपने सिम में, आप खुद ही कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। चलो मैं ही बता देता हूँ, आपको मिनिमम 100 रुपये या 120 रुपये का रिचार्ज कराना होगा जब जाके आपके सिम में 80 रुपये आएंगे। मतलब आपने 120 रुपये का इन्वेस्टमेंट किया अपने सिम पे, जब जाके आपको 80 रुपये मिले। सेम उसी तरीके से यदि आप रिडीम कोड खरीदते हो 100 रुपये का, तो आपको रिडीम कोड 100 रुपये का ही मिलेगा जिसे आप यूज़ कर सकते हो। बाई चांस आप 80 रुपये कोई चीज़ खरीद रहे हो किसी एप्लीकेशन में, किसी गेम में, कुछ भी टॉप अप कर रहे हो, तो सिंपल से आपको क्या करना है, 80 रुपये की आप कोई चीज़ खरीदो तो आपके वहाँ से 80 रुपये ही जाएंगे एंड 20 रुपये आपका रिडीम कोड बच जाएगा। आप उसे अगले टाइम यूज़ कर सकते हो फिर से, यहाँ पे आपको कोई भी टैक्स नहीं कटेगा। लेकिन यदि आप एयरटेल बिलिंग के द्वारा कोई भी टॉप अप कर रहे हो तो वहाँ पे आपका टैक्स कट रहा है एंड ज़्यादा आपका अमाउंट वेस्ट हो रहा है। सो आप लोग समझ चुके होंगे, आप लोग बहुत इंटेलिजेंट हो, तो मुझे ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। एंड गाइस, अब सीधा बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ, कैसे आप एयरटेल बिलिंग इनेबल करा सकते हो। यदि आपकी एयरटेल बिलिंग इनेबल नहीं होती है तो जाके उस वीडियो को चेक कर लेना, बहुत ईजी है एंड सिंपल है यूज़ करना, खरीदना सब कुछ, ठीक है। तो चलिएगा, इस वीडियो करते हैं स्टार्ट बिना टाइम वेस्ट किए। सो गाइज, तो हम लोग आ चुके अपने मोबाइल की स्क्रीन पे। गाइज, एयरटेल बिलिंग इनेबल कराने के लिए सबसे पहले आपको कस्टमर केयर पे कॉल करनी है, ठीक है। फर्स्ट स्टेप मैं आपको क्लियर करके बता देता हूँ। सबसे पहले आपको कस्टमर केयर पे कॉल करनी है, एयरटेल के कस्टमर केयर पे 199 या 198 है, तो उस पर कॉल करके आप पूछ सकते हो कि एयरटेल बिलिंग मुझे इनेबल करानी है। यदि वो कहते हैं कि एयरटेल बिलिंग क्या है, एंड आप उनसे पूछ लेना कि एयरटेल बिलिंग इनेबल हो सकती है कि नहीं। आप अपना एरिया कन्फर्म करा लेना, मोबाइल नंबर का मॉडल नंबर बता देना, मोबाइल नंबर बता देना, मतलब मोबाइल का ब्रांड कौन सा ये बता देना, क्योंकि यार यहाँ पे मोबाइल एंड एरिया आपका बहुत ज़्यादा मैटर करता है एयरटेल बिलिंग को इनेबल कराने के लिए। अब गाइज, वो कस्टमर आपसे कहता है कि एयरटेल बिलिंग हम नहीं जानते, हम इनेबल नहीं कर सकते, तब आपको क्या करना है वो मैं आपको बताता हूँ। क्रोम ब्राउज़र पर जाइएगा, मतलब इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, लिंक पर क्लिक करिएगा तो आप इस वाले पेज पर आ जाओगे। अब गाइज, आपको यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले तो अपना नेम एंटर करना है, ठीक है। उसके बाद कंपनी नेम में आप अपना ही नाम डाल दीजिए, यदि आपकी कोई कंपनी है तो कंपनी नेम डाल दीजिए, मोबाइल नंबर डाल दीजिएगा एयरटेल का ही, एंड ईमेल एड्रेस जिस पर आप एक्टिव रहते हो, जिससे कोई भी मेल आए तो आप उसे तुरंत पढ़ लें। एंड यहाँ पर आपको जो आपने कस्टमर केयर से बात की उसका टाइम डालना है, कब आपने बात की, ठीक है। एंड उसके बाद यहाँ पे आपको 5 स्टार की रेटिंग दे देनी है। उसके बाद आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिखना है, जो डिस्क्रिप्शन लिखना है वो मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दिया है, जाके कॉपी कर लेना या आप टाइप कर लेना, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे सबमिट करना है। अब गाइस, क्या होगा, 1 या 2 दिन बाद, हो सकता है 4-5 घंटे बाद आपके मेल पे रिप्लाई आए, कुछ भी आ सकता है, वो रिजेक्ट भी कर सकता है आपके मेल को, एंड हो सकता है आपकी जो एयरटेल बिलिंग है उसको इनेबल भी कर सकते हैं। एंड गाइस, सबसे बड़ी बात मैं आपको बताता हूँ, यदि आप एयरटेल बिलिंग इनेबल नहीं करते हो, मतलब इनेबल नहीं हो पाती है, तो आपको मैं एक रिकमेंडेशन देता हूँ, आप रिडीम कोड यूज़ करिए। क्योंकि गाइस, एयरटेल बिलिंग यदि बाय चांस आप इनेबल कर लेते हो, इनेबल होने के बाद आप किसी भी गेम में, किसी भी एप्लीकेशन को परचेज करना चाहते हो, ठीक है, ज़्यादातर लोग फ्री फायर के लिए एयरटेल बिलिंग इनेबल कराते हैं, क्योंकि वहाँ डायमंड टॉप अप करने हैं। अब मैं आपको एक यहाँ पर थोड़ा सा हिंट देता हूँ, यदि आप 80 रुपये में 100 डायमंड टॉप अप करना चाहते हो, ठीक है, तो आपको एयरटेल सिम में कितने रुपये का रिचार्ज कराना होगा, कम से कम 100 या 120 रुपये का, ठीक है गाइज, जब जाके आपको 80 रुपये या 70-75 रुपये मिलेंगे। अब गाइज, वहीं आप यदि रिडीम कोड खरीदते हो, किसी अपने पड़ोसी जाके खरीद लेना, यदि आपको खरीदना नहीं आता कैसे खरीदा जाता है रिडीम कोड, कैसे यूज़ किया जाता है, उसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है, आप उसे जाके चेकआउट कर लेना, मैंने सब कुछ बताया वहाँ पे कैसे खरीदा जाएगा, कैसे कोड यूज़ करना है, कैसे किसी गेम के डायमंड्स को परचेज करना है, और बहुत ईजी भी है। यहाँ पे क्या होता है, यदि हम एयरटेल बिलिंग यूज़ करते हैं तो कभी कभी पेज रिफ्रेश हो जाता है, लेकिन गाइस रिडीम कोड में ऐसा कुछ नहीं है, आपके पास रिडीम कोड है और आप 80 रुपये में 100 डायमंड खरीद रहे हो फ्री फायर से, तो आपने जितने रुपये का रिडीम कोड खरीदा है, बाय चांस आपने 80 रुपये का ही रिडीम कोड खरीदा है, तो सिंपल से आप रिडीम कोड का ऑप्शन ऑटोमेटिक चूज हो जाएगा, यदि आपके पास जो आपकी अमाउंट है उससे ज़्यादा का आपके पास रिडीम कोड है ऑटोमेटिकली, या उसके बराबर का भी है, कम का नहीं होना चाहिए, तो वो चूज़ ही नहीं होगा, इनसफिशेंट बैलेंस होता देगा, तो मिनिमम बैलेंस तो होना चाहिए जितने के अमाउंट आप
कर रहे हो, टॉप अप कर रहे हो, उसके बाद वन टैप बाय पे आप क्लिक करके इजीली बाय कर सकते हो। तो कभी कभी एयरटेल बिलिंग में ऐसा होता है पेज रिफ्रेश हो जाता है और हमारा पेमेंट सक्सेसफुल हो जाता है, लेकिन जिस हम चीज़ को खरीद रहे हैं वो हमें नहीं मिलती है। तो आई होप समझ चुके होगे आप। अब मैं आपको बता दूँ यहाँ पे एयरटेल बिलिंग बढ़िया है या आपका रिडीम कोड बढ़िया है। रिडीम कोड आपके लिए बेटर है, सबसे बेटर, लेकिन तब आपके लिए बेकार हो सकता है जब आपके आस पड़ोस में कोई पेटीएम, गूगल पे या मान लिया आपके पास रिडीम कोड बाय करने की कोई सुविधा ना हो, तब आपके लिए एक बेकार रास्ता हो सकता है। एंड एयरटेल बिलिंग आपके एक तो इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करवाएगा, मतलब कि आपके पैसे ज़्यादा खर्च करवाएगा। यदि आप 80 रुपये खर्च करना चाहते हैं तो कम से कम 120 या 100 रुपये तो आपके खर्च होने वाले हैं, ठीक है। इसके बाद आपके लिए बेटर तब हो सकता है जब आपके पास कोई और रास्ता ना हो एयरटेल बिलिंग के अलावा। आई होप आप समझ चुके होंगे मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। एंड यदि आप फिर भी एयरटेल बिलिंग इनेबल करना चाहते हो तो आप यार इस ट्रिक को यूज़ कर लो, एंड ये लास्ट ट्रिक हो सकती है क्योंकि इसके अलावा कोई और ऐसी ट्रिक है नहीं जिस ट्रिक की मदद से आप एयरटेल बिलिंग इनेबल करा सको। और गाइस मेरे पास कई लोगों के कमेंट्स भी आते हैं कि जो एयरटेल बिलिंग है ये पोस्ट पेड या प्रीपेड सिम पे अवेलेबल तो नहीं है। तो यार ये प्रीपेड सिम पे अवेलेबल है, एंड हो भी सकता है पोस्ट पेड पे हो, लेकिन प्रीपेड में मैंने ज़्यादा देखा है, ठीक है। तो आई होप आप इस वीडियो को लाइक करोगे एंड चैनल को सब्सक्राइब करोगे, इस वीडियो को शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ जिससे उनको पता लग जाए जो एयरटेल बिलिंग के चक्कर में फिर रहे हैं, ठीक है। एंड मैं रिडीम कोड भी यूज़ करता हूँ एंड गूगल पे मैं यूज़ करता हूँ, मतलब मैं यहाँ से पेमेंट किसी भी चीज़ से कर देता हूँ, बहुत ईजी रहता है रिडीम कोड से। एंड सबसे बड़ी बात गाइज आपको यहाँ पे कैशबैक भी मिलता है, ठीक है। तो ये सबसे आसान तरीका है, मैंने 250 रुपये का एक रिडीम कोड परचेज़ किया था तो मुझे 50 रुपये का कैशबैक अलग से मिल चुका था, यानी कि 200 रुपये में मुझे 250 का माल मिल गया, बहुत अच्छा है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई है, इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।